वहां से अनायशा बेकरी है और ये दोनों एक साथ चटके। हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ पड़ी थी मेरे ऊपर। क्या हुआ गाइस, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसे सुबह एडिट, रात को एडिट कर दी और सुबह उठ के पोस्ट कर दी, वो पोस्ट भी हो गई। फिर एकदम पोस्ट होने के बाद जैसे उसे शेड्यूल पे लगाता, थंबनेल लगाता, जब भी मुझ पर एक नोटिफिकेशन आती है कि आपकी वीडियो ने कम्युनिटी गाइडलाइंस को वॉयलेंस कर दिया। मैंने कहा ऐसी चीज़ तो मैं कुछ अपनी वीडियो में दिखाता भी नहीं। फिर मैंने चेक किया तो चाइल्ड सेफ्टी के ऊपर आया, चाइल्ड सेफ्टी नन्नू, मतलब नन्नू आती है मेरी वीडियो में, वही बच्ची है, तो उसके ऊपर आया। मैंने कहा ऐसा तो कुछ डाली नहीं। और क्लिप चेक करी तो गाइस, किस क्लिप पे आया है, वो नन्नू लेटी है बेड पर, उसे हम गुदगुदी कर रहे हैं, एक क्लिप डाली थी मैंने उसमें, तो उस क्लिप पे वो आया कम्युनिटी गाइडलाइंस टाइप। मैं सोचने लग गया ये क्या हुआ, और सीधा वीडियो गाइस मेरी रिमूव ही हो गई मेरे चैनल पे से। और 9 बजे का मेरा वीडियो डालने का टाइमिंग रहता है और जब बज रहे थे 8:30। मैं देख रहा क्या हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यूट्यूब पे वीडियो देखी मैंने, करते करते 9:30 बज गए, ब्लॉग डालने का टाइम मेरा निकल गया। फिर मैंने फटाफट कम्युनिटी पोस्ट डाला जो कि आपने देख ही लिया होगा कल, उसमें मैंने लिख के बताया ये दिक्कत हो रही है, तो टाइम थोड़ा लेट आएगी आज, वीडियो अपने टाइम पर नहीं आ पाएगी। तो गाइज, इसमें सोचने वाली बात यह है, मैंने इसमें कोई गाइडलाइंस मैंने वो ही नहीं की, वॉल्यूम कोई मैंने कोई गाइडलाइंस इसमें तोड़ा ही नहीं है। चाहे तो गाइज आप ना, आज मैं स्टोरी लगाऊंगा अपने इंस्टाग्राम पर, उसमें मैं वो क्लिप दिखाऊंगा आपको जिस क्लिप पर कम्युनिटी गाइडलाइंस आया। गाइज, कम्युनिटी गाइडलाइंस तो ऐसी ऐसी चीज़ नहीं है, उससे तो चैनल पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। वैसे पहले तो वार्निंग में आता है, पर वार्निंग में भी आना सही नहीं लगता है। कॉपीराइट तो एक बार चल भी जाता है, उससे बस चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ होती है, लेकिन इससे तो चैनल जाने का ही डर रहता है। तो मैं आपको स्टोरी जरूर लगाऊंगा, आप जाकर देखना और बताऊंगा कि इस क्लिप पर आया है मुझे कम्युनिटी गाइडलाइंस, तो आप भी देखना, इस पे तो आना भी नहीं चाहिए। उस क्लिप में हम नन्नू को गुदगुदी कर रहे थे, तो उसके ऊपर आ गए। तो फिर गाइस, जब भी कम्युनिटी गाइडलाइंस आते हैं तो हम पे 2 ऑप्शन आते हैं, या तो ट्रेनिंग करके उसे आप 90 दिन के अंदर वो हट जाएगी आपके पास से वो नहीं, या फिर आप अपील कर सकते हो। तो मैंने अपील करा 9 बजे के आसपास, फिर मैं वेट करता रहा कि अपील करते हैं तो यूट्यूब दोबारा चेक करता है और उन्हें पता लगता है कि हमने गलती करी है चेक करने में, तो वो दोबारा ईमेल भेजता है और हमारी वीडियो भी दोबारा भेज देता है हमारे पास, जो हम पब्लिक कर सकते हैं। लेकिन 9:30 बज गए, वो चीज़ हुई नहीं। मैं वेट करता रहा, कोई ईमेल नहीं आया, कोई मेरी वीडियो वापस नहीं आई। सोचा ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कब रिस्पॉन्स आएगा, वीडियो जा नहीं पाएगी। तो फिर मैंने वो क्लिप अपने वीडियो में से हटाई और वीडियो दोबारा एडिट करी, वीडियो दोबारा अपलोड करी, करने में 9:15 पे जाकर मेरा कल का ब्लॉग आया जो कि आपने देख ही लिया होगा। तो ये थी सारी अपडेट और अभी तक कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया, जैसे रिस्पॉन्स आएगा मैं आपको बता दूंगा। अभी फिर एक प्रॉब्लम आ गई, वैसे लाइट चली गई है घर की आज, और प्रॉब्लम ये आई है कि गाइज अब मेरे कमेंट डिसेबल हो गया जो वीडियो मैंने एडिट करके डाली। पता नहीं गाइज क्यों हो रहा है, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी है काफी जन जो अपने बच्चों की क्लिप भी डालते हैं, छोटे छोटे भाई बहन की क्लिप डालते हैं, लेकिन उनके मैं कमेंट देखता हूँ, उनके तो कमेंट्स ऑन रहते हैं, मेरी पता नहीं दूसरी तीसरी वीडियो में ऐसा हो जाता है। मैंने एक मेल तो भेजा यूट्यूब को लिख के, और पहले भी यूट्यूब से बात करी थी, पर पता नहीं क्यों ये दिक्कत हो रही है मेरे साथ बहुत, पर क्या ही करूँ, अब मैं मेरे हाथ में नहीं, मैं बार बार ऑन कर रहा हूँ, बार बार ऑफ हो जा रहे हैं कमेंट्स आज की वीडियो। और जबकि मैंने जो आज की वीडियो मैंने डाली उसमें मैंने एक क्वेश्चन भी करा था, और उसका मुझे पता आप में से काफ़ी लोग आंसर देते कि जगह आपको कैसे लगी, लेकिन जब कमेंट्स ही ऑफ है तो आप लोग आंसर कैसे दे पाओगे, वो दिक प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो रहा है। और गाइस, आज मम्मी भी जल्दी आ गई काम पे से, अभी खाना बना रही, क्योंकि मम्मी को आज जाना है, पापा और मम्मी और चाचा चाची सब जा रहे हैं आज गाँव में किसी काम से, साथ में नन्नू भी जाएंगी। तो अभी मम्मी काम करके आज जल्दी आ गई छुट्टी लेकर। और अभी क्या बना रहे हो? बिगर लाइट का खाना। हाँ, तो खाने में क्या? बिगर वो भिंडी दाल चावल। भिंडी दाल चावल बनना। और गाइज, लाइट नहीं आ रही, वैसे 3-4 बार लाइट जा चुकी है और अब की बार गई है तो काफी देर की गई भी, अब तक आई नहीं है। ये इतनी घट दाल बना दी है गाइज मम्मी ने, ये कैसे खाएगा इंसान, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। बाद में सब समझ में आ गया। कैसे हमें बता? ओफो, अलग से गर्म करके पानी। मम्मी तुम्हें मैं क्या एक वो चैनल खोल के दे दूँ कुकिंग का, कर लोगी? हाँ तेरा हो जाए। तो गाइज, आज एक बुरी चीज़ हुई कि मेरे कम्युनिटी गाइडलाइंस आ गया मेरे चैनल पर, लेकिन अब एक अच्छी चीज़ हो गई कि मुझे ईमेल आ गया है फाइनली मेरा सिल्वर प्ले बटन अप्लाई करने का। और गाइज, कल मैंने इसी बारे में अपनी शॉर्ट वीडियो बनाई कि मैं एक हफ्ता हो गया मेरा 100K, लेकिन अभी तक
कोई ईमेल नहीं आई मेरे पास सिल्वर प्लेट बटन अप्लाई करने की, तो फाइनली ईमेल आ चुकी है और सबको मैंने दिखाया, दीदी को मम्मी को सबको बहुत खुशी हुई, इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि कब सिल्वर प्लेट बटन आएगा, पर मैंने सबको बताया था कि उससे पहले अप्लाई करना पड़ता, ऑर्डर करना पड़ता, उसके बाद सिल्वर प्लेट बटन आता है, तो फाइनली अप्लाई करने का ऑप्शन आ गया। तो अभी मैंने ये मोबाइल ले लिया और इसमें एक वीडियो चला लिया जिसमें मैं देख देख कर अपना सिल्वर प्ले बटन अप्लाई करूंगा ताकि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मैंने वीडियो चला लिए, वीडियो देखूंगा और एक एक स्टेप फॉलो करके अपना सिल्वर प्ले बटन अप्लाई कर दूंगा। तो बहुत ही खुशी हो रही है दीदी, हैप्पी। तो गाइज अभी मम्मी बुला रही है खाना खाने के लिए, कह रही पहले खाना खा ले, तो हाँ पहले खाना खा लेता हूँ फिर उसके बाद आराम से बैठ के अपना सिल्वर प्ले बटन का ऑर्डर प्लेस करूंगा, तो हाँ खा लेता हूँ पहले खाना। अभी लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, मुझे भी दे दो खाना। तो पापा सिल्वर प्ले बटन अब आ ही जाएगा कुछ दिनों में, बहुत खुशी हो रही है, मगर एक बात का दुख भी हो रहा हमें, जब मेरा बेटा ब्लॉग बनाता तो उसके कमेंट सब बंद कर देते और जो कमेंट आते हैं उसमें हमें बहुत खुशी होती है, आपके कमेंट इतने इतने प्यारे प्यारे आते हैं उसमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बेटा सुनाता रहता हम सुनते रहते हैं। हाँ गाइज मैं मम्मी पापा को पढ़ के बताता हूँ तो सबको मतलब सब बैठ जाते हैं और मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो सबको काफ़ी अच्छे लगते हैं, पर जब वीडियोस के कमेंट ऑफ हो जाते हैं तो ऐसे ही थोड़ा दुख होता है। और दीदी भी बैठी है यहाँ, दीदी सिल्वर प्ले बटन आने वाला है, नन्नो गाइज नन्नू को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है, ये पीछे लग रही कि मैं ही अनबॉक्सिंग करूँगी और मैं इससे नहीं करवाऊँगा। मम्मी सिल्वर प्ले बटन आने वाला है, थोड़ा ही दिनों का इंतज़ार है। दादी को भी आज खुशी हाँ, दादी को भी दिखाने ले जाऊंगा। तो अभी खा लेता हूँ गाइस खाना, दाल चावल और भिंडी बनाई है मम्मी ने, ये क्रिस्पी, आइए आप भी खाइए और आप भी खा लीजिए गाइस। खाना खा लिया है मैंने, अब स्टार्ट करता हूँ सिल्वर प्ले बटन अप्लाई करने का प्रोसेस। फाइनली मेरे सिल्वर प्ले बटन का ऑर्डर हो चुका है प्लेस, आप वेट करते हैं देखते हैं एक महीने के अंदर या दो हफ्ते में कभी भी आ सकता है, और जैसे आएगा उससे अगले दिन आपको वीडियो मिली जाएगी, तो आप वेट करते हैं। मम्मी पापा हो गए हैं रेडी, जैसा कि मैंने आपको बताया था आज मम्मी पापा गांव जा रहे हैं कुछ काम की वजह से, और चाची चाचा भी जा रहे हैं, तो अभी रेडी हो गए हैं, बैग भी अपना पैक कर लिया है, कपड़े भी रख कर और चार्जर रख रहे हैं अभी पापा, तो निकलने के लिए रेडी हो पापा? यस, मम्मी से मिलने जा रहा हूँ। तो पापा अपनी मम्मी से मिलने जा रहे हैं, दादी से, मम्मी जा रही है अपनी सासू माँ से मिलना है ना मम्मी। धूप इस समय इतनी कैड़ी हो रही है, इतनी कैड़ी, बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है, और अब निकल रहे हैं तो बहुत हालत ख़राब होने वाली है इन सब की। तो अभी आ गए हैं नीचे क्योंकि चाचा चाची भी जा रहे हैं और नन्नू भी। चलो भाई। नन्नू तो जा रही है, 500 रुपये तो ले लो नन्नू से। नन्नू तो जा रही है, अभी मैं ऊपर आया था ये वाला बैग लेने क्योंकि चाची को भी अपना कुछ सामान रखना है, तो मम्मी चाची दोनों का सामान इसमें ही आ जाएगा और एक ही बैग आराम से ले जाएंगे, तो चलता हूँ इसे नीचे लेके। लो भाई नन्नू का बैग देखो कितना मस्त है भाई, भाई नन्नू भी जा रही है, मैं नन्नू से मना कर रहा हूँ, मत जा, मन नहीं लगेगा, मज्जा नन्नो, कल तो आ ही जाएंगे सब। तो गाइज हो गए सब रेडी और अब निकल रहे हैं, बस स्टॉप पे जाना है यहाँ से। तो बाय दीदी, मैं भी जा रहा हूँ। अभी मम्मी ने ब्रश मंगवाया दीदी से। वहां से अनायशा फेंक रही है और ये दोनों एक साथ। बाय। चलो भाई अब चलो। पापा आम लेते हुए आओगे? अभी तो आम कह रही है। हाँ अभी तो छोटी छोटी होंगी, जब भी ले आना थोड़ी बहुत नमक मिर्च के साथ खा लेंगे।
गांव में बहुत खाता था मैं। ये तेरे दोस्त को वो दे दिया ला। गांव में बहुत गांव में बाग में जाता था, नमक मिर्च पुड़िया में बंद करी और वहीं बैठ के खाते रहे, बहुत मजा आता था। अभी जाऊंगा मैं भी कुछ दिनों बाद गांव, आपको टूर दूंगा अपने गांव का। बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है, उनकी तो हालत ख़राब हो जाएगी, मम्मी पापा सबकी हालत ख़राब हो जाएगी इतनी गर्मी में। क्या चटके अभी ऐसे ही लगेंगे चटके तड़ातड़। गाइस आ गई बस, वो अच्छा हुआ एसी बस आई है, चलो जल्दी एसी बस आई है। बाय। गए सब लोग, अच्छा हुआ एसी बस मिल गई क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। और अब मैं जा रहा हूँ घर। पहुँच गया गाइस घर में, बहुत ही ज़्यादा बाहर गर्मी हो रही है। पंखा चला के बैठो भाई। इतनी गर्मी गाइस घर में, नन्नू नहीं और मम्मी पापा नहीं, बिल्कुल मन सही नहीं लग रहा। दीदी वहाँ लेट के फ़ोन देख रही है और अनायशा सोई पड़ी है, और मैं भी यहाँ बैठ के मुगोनी चला रहा था। बिल्कुल नन्नू रहते तो थोड़ी मस्ती विस्ती कर लेते हैं, मम्मी पापा रहते बातचीत कर लेते हैं, पर मन सा नहीं लग रहा। वैसे कल ही आ जाएंगे मम्मी पापा, एक दिन के लिए गए हैं चाचा चाची सब लोग, एक दिन के लिए कल ही आ जाएंगे। और अभी उनसे फ़ोन करके भी पूछूंगा पहुँचे या नहीं, तो अभी फ़ोन करूंगा थोड़ी बहुत देर में, क्योंकि 3-3.5 घंटे का रास्ता है गाँव पहुँचने का, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ पर, तो इसलिए थोड़ी देर बाद फ़ोन करके मैं पूछ लूँगा। और बाकी तो अभी बैठे ही हैं। तो गाइस बस 7 बजने वाले हैं, अब मम्मी पापा सब गांव में पहुँच गए होंगे। तो गाइस यहाँ पर हम वीडियो कॉल लगा रहे हैं पापा को। हाँ दिखे क्या? दादी दादी को दो। अरे वो क्या था? राम राम, ठीक हो? मैं ठीक हूँ बाबू। येरी नन्नू, नन्नू और अभिनव खेल रहे होंगे। अच्छा अभी पहुँचे क्या सब? हेलो ना दीदी बनाएगी ना, दीदी तो है येरी। मैं कह रहा हूँ ये देखो गाइस, मम्मी भी लग रहा थक गए सब, बस में थक गए। चाची वो बैठी, चाची गाइस, ए पापा भी सो रहे हैं। अभी लाओ ये देखो गाइस, ये छोटा सा भाई मेरा। नमस्ते, कैसा है तू? मैं तो आऊंगा तेरे लिए, चिज्जी लेके आऊंगा जब आऊंगा, मेरे पे पैसे आएंगे तो। चलो आराम करो, बाद में करता हूँ, ठीक है बाय। बना रही है दीदी पास्ता, फेवरेट ऑफ ऑल टाइम। मम्मी तो नहीं आनी, मम्मी खाना ही बनवाती, सुबह को बनवा दिया तो बनवा दिया मम्मी ने पास्ता, लेकिन अब हम अभी बना रहे हैं और खाएंगे, तो दीदी वही काटने में लग गई और पास्ता में उबल रहा है, तो मज़ा आएगा पास्ता खाने में। गाइज बन गया है पास्ता, तो ले लेता हूँ खा लेता हूँ, कई दिन हो गए खाए हुए पास्ता, तो आज मजा आएगा खाने में। तो गाइज ले लिया है मैंने पास्ता, और है ना ऐसा यहाँ पास्ता ही खा रही है, और साथ में मेरा ब्लॉग देख लिया आज का। मैं भी खा लेता हूँ पास्ता, खा लिया है पास्ता आज, खाने में पास्ता ही था। और अब करूँगा ब्लॉग की एडिटिंग, तो करता हूँ इस ब्लॉग का अब एंड। आई होप सो आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा, अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद है तो ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।